सो दे गो अफगानिस्तान इज नाउ अंडर द रूल ऑफ तालिबान तालिबान एक ऐसा रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करने वाला ग्रुप जो कि बहुत कंजर्वेटिव तरीके से गवर्न करने वाला है अफगानिस्तानी लोगों को बेसिकली यहाँ के लोगों की अब लगने वाली है सैडली ये जो अट्रोसिटीज फेस करने वाले हैं इसके वर्स्ट रिसीविंग एंड पे होंगे विमेन एंड चिल्ड्रेन विमेन एंड चिल्ड्रेन इवन दो सबसे ज्यादा पावरलेस और वर्लरेबल कंसिडर करे जाते हैं बट स्टिल पावरफुल लीडर्स एंड सच पावरफुल रेडिकल ग्रुप्स ज कंट्रोल विमेन एंड चिल्ड्रेन ऐसा क्यों है अगर इसका मैं एक शॉर्ट सा आंसर दू विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन तो वो ये विमन एंड चिल्ड्रेन डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड द फ्यूचर ऑफ एनी सोसाइटी अगर तुम्हें आज जानना है कि इंडिया पचास साल बाद कैसा होगा तुम्हें प्रेडिक्ट करना है तो अभी जो चौदह पंद्रह साल के बच्चे हैं उनके साथ हैंग आउट करो उनको समझने की कोशिश करो जिस तरीके की उनकी सोच है जिस तरीके की उनकी समझ है उस तरीके का देश बनेगा आज से पचास साल बाद दिस यू कैन फोर्स्यूचर अगर तुम उन बच्चों को कंट्रोल कर लो उनका बिहेवियर कंट्रोल कर लो तुम असेंशियल फ्यूचर कंट्रोल कर सकते हो और सिंस वेमन आर द चाइल्ड बेयर

फ्री एंड अ जस्ट सोसाइटी अनलाइक नाव अफगानिस्तान अंडर तालिबान जहां पर तुम पे कोई डिसीजन फोर्स नहीं किया जाता है तुम फ्री होते हो अपने खुद के डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट होते हो वहां पर इट विल ऑलवेज टर्न आउट की लड़कियां विल बिकम द गेट कीपर्स टू सेक्शुअल एक्सेस इन अदर वर्ड्स लड़कियों के हाथ में ये पावर हमेशा होती है कि वो ये डिसाइड करती है कि कौन सा लड़का अट्रैक्टिव होगा उसी के साथ दे कपल अप ये जो अट्रैक्टिवनेस के स्टैंडर्ड्स हैं ये लड़कियों ने कलेक्टिवली सेट करे हुए ये वेरी करते हैं हर सोसाइटी हर कल्चर के हिसाब से हर टाइम्स के हिसाब से कुछ बहुत कॉमन स्टैंडर्ड्स होते हैं जैसे कैसा दिखने में अट्रैक्टिव होगा तो उसके फीचर्स कैसे होंगे फाइनेंशियली वो कैसा होगा बहुत जरूरी है सोशली वो कैसा होगा अपने पीयर ग्रुप में कैसा होगा वो इमोशनली कैसा होगा वो सेक्शुअली कैसा होगा ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं ये स्टैंडर्ड लड़कों को भी कहीं ना कहीं पता होते हैं और अगर तुम ये सारे स्टैंडर्ड्स पे ऊपर पहुंच जाओ तो तुम्हें अल्फा मेल बुला दिया जाता है लड़के क्या करते हैं दे ट्राई टू चेज दीज स्टैंडर्ड्स और जैसे ही एक लड़का उस स्टैंडर्ड पे पहुंच जाता है तो वल्ला म एलिजिबल टू कपल अप विद लेडी एंड देन यू गिव बर्थ टू न्यू बॉर्स अब ये जो बच्चे पैदा हो इसमें वही ट्रेड होंगे जो लड़कियों ने बहुत पहली स्टैंडर्स कर दिए थे फॉर द मेल काउंटर पार्ट सो इन अ वे किस तरीके के बच्चे पैदा हो गए उनका क्या जेनेटिक पूल होगा वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द लेडीज जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्या स्टैंडर्ड होगा ऑफ द मेल्स दैट दे वॉन्ट टू कपल अप विद सो इवेंचुअली विमेन आर एक्चुअली कंट्रोलिंग द जेनेटिक पूल ऑफ द फ्यूचर एंड इन दैट वे देर शेपिंग एंड टेलरिंग द फ्यूचर इन दैट राइट हिज एन इमेंस अमाउंट ऑफ पावर अब आते हैं तालिबान वाले केस में समझने की कोशिश करो पोलिटिकल पावर में आ गया है तालिबान अफगानिस्तान में और सबसे बड़ी पोलिटिकल पावर क्या है इफ यू कैन कंट्रोल द फ्यूचर अगर तुम वुमेन इंपावरमेंट को बढ़ा दो अगर तुम औरतों को जानवरों की तरह ट्रीट ना करो जो कि किया जाता है तालिबान रूल में ये जो फ्यूचर डिसाइड करने वाली पावर है ये तालिबान के हाथ में नहीं रही कहीं ना कहीं इस बात को लेकर तालिबान काफी इनसिक्योर है और सिर्फ तालिबान ही नहीं बहुत सारे ऐसे रेडिकल ग्रुप्स हैं जब भी पावर में आते हैं हमेशा औरतों और बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उसका रीजन यही है दिस इज माई हैपोथिस नो बट यू थिंक अबाउट दिस लेट मी नो इन द कॉमेंट्स एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक वी ऑफन से बहुत वलरेबल सेक्टर है हमारी सोसाइटी का बच्चे और औरतें इतना ज्यादा इनसेक्योर क्यों फील करते हैं पावर पोजीशन में जो लोग हैं क्यों इतना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं औरतों और बच्चों को अगर ये इतना वीक सेक्टर ही है इतना वीक सेक्शन है हमारी सोसाइटी का तो उसको वीक रहने दो ना हाउ केन दे एवर बी ऑफ थ्रेट टू वीडियो सवाल जो मैं पूछूं तभी तो मैं इंसान हूं